Hello dear students, a very warm welcome. Dear students, ये session उन सभी लोगों के लिए बहुत ही important है जिनको English में reading करने में बहुत दिक्कत होती है, English के sentences को समझने में बहुत problem होती है और जिनका word power यानी vocab कमजोर है. ये स्टूडेंट्स उन सभी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेशन है. इस पूरे सेशन को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जरूर देखा करिए और एक एक पॉइंट पर एक एक बात पर फोकस करें, उसके नोट्स बनाएं. आपको देखना कुछ ही समय में इसके फायदे दिखने लगेंगे. दोस्तों जो लोग लाइव हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. बेल आइकन भी प्रेस जरूर किया करो. चलते हैं दोस्तों, आपके सामने हेडलाइन है आज का 2 दिसंबर 2021 द हिंदू. और फर्स्ट जो स्टोरी है फ्रंट पेज की वो है ओमिकॉन्स के ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्लान. एक वर्ड आपके सामने समय स्क्रीन पर है, ओमिकॉन. तो ये कोरोना वायरस है, एक नया वेरिएंट है अफ्रीका से जो निकला है और इस समय पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्केयर कर रहा है, डरा रहा है. स्केयर करना होता है डरा देना, फ्राइटेन कर देना. इसको आप नोट कर लें. SCARE स्केयर का मींस क्या होता है, वर्ब के तौर पे इसको नोट करना है. फ्राइटेन करना, FRIGHTEN फ्राइटेन करना, डरा देना होता है, हॉरिफाई करना है. डरा देना, तो ये ओमिकॉन स्केयर यानी डरा दे रहा है. ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान यानी जो इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान है ग्राउंड करने का, लैंडिंग करने का, किसी भी कंट्री में बाहर से आने वाली फ्लाइट्स हैं उनकी जो भी प्लान है उसको डरा दिया इसने, इस वायरस ने. और ये न्यू दिल्ली के संदर्भ में खास यानी भारत के संदर्भ में है. न्यू डेट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज क्या मतलब सेवाएं यहां पर है, तो नई तारीख न्यू डेट सेवाओं की बहाली की. नॉर्मलाइजेशन होता है सामान्य कर देना, बहाल कर देना. विल बी नोटिफाइड लेटर, इसको बाद में जानकारी दी जाएगी, अधिसूचित किया जाएगा. नोटिफाई का मतलब होता है किसी बात को अधिसूचित करना. थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी भी देखें, बाहर से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसको इस वक्त लैंडिंग कराने में बहुत ही हेजिटेशन है भारत सरकार को. द यूनियन गवर्नमेंट, अब यहां पे थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते रहेंगे आप लोग. जैसे यहां यूनियन गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है यानी केंद्र सरकार, भारत सरकार. ऑन वेंसडे यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है. साइटेड यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है जो कि वी टू है, जिससे कि आप टेंस निर्धारित करते हैं पास्ट इंडेफिनेट. कंसर्न्स आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है साइट का, जिसका मींस होता है चिंताएं. ओवर द ओमिकॉन वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस एंड इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड, और अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किया द फुल रिजम्पशन यानी पूरी तरीके से बहाली ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का फ्रॉम दिसंबर 15 से. एक बार फिर से सुनेंगे पूरे सेंटेंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा ध्यान से सुनेंगे आप मेरे साथ और ये चीज आपके भी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए. जैसे आपका यूनियन
गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, ऑन वेंसडे आपका क्या है यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज, साइटेड आपका क्या है मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कंसर्न्स क्या है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट, और ओवर द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस यहाँ पे ये है आपका कंसर्न्स का एडजेक्टिवल फ्रेज। ये बात अगर समझ जाए तो मजा आ जाए। आई मीन टू से कि जब आपने कंसर्न्स को लिया तो ये नाउन था, क्या था ये नाउन, और जब भी किसी नाउन के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्रेपोजिशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन होती है वो इस नाउन का एडजेक्टिवल फ्रेज माना जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज माना जाता है। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ तक है आपका, ओवर से लेके, यहां से लेके और आप यहां तक आ जाएं कोरोना वायरस तक। केंद्र सरकार ने बुधवार को चिंताओं का उल्लेख किया, चिंताओं को बताया, साइट का मतलब उल्लेख करना है, साइट का मैं कल भी लिखा था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। CITE का मतलब होता है मेंशन करना, उल्लेख करना, जिक्र करना, कोट करना, QUOTE उल्लेख करने के सेंस में आता है। जिक्र करना। तो सरकार ने चिंताओं का उल्लेख किया और चिंताएं कैसी, एक और मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था किसी नाउन के साथ, बार बार इस पर फोकस करिए आप लोग, किसी नाउन के साथ कम से कम इतना तो आप ध्यान दे ही लीजिए, तीन चार पैटर्न तो ठीक से पकड़ लें। किसी नाउन के साथ वर्ब का ING फॉर्म से इंफॉर्मेशन जोड़ना, उसके साथ हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, या फिर किसी का पैसिव पैटर्न होता है हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, या इसका एक पैटर्न पैसिव होता है बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब का सीधे सीधे थर्ड फॉर्म जो कि एक्टिव पैसिव दोनों में देखा जाता है, या फिर प्रेपोजिशन प्लस नाउन से कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं आप अगर, या फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं किसी नाउन के बाद, और आप इस नाउन से पूछें कैसा नाउन, कैसा विच टाइप ऑफ नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन, इसको सभी फंडामेंटल्स के जो बच्चे हैं ये नोट करेंगे और दिल से इसको अप्लाई करेंगे पढ़ते समय, विच टाइप ऑफ नाउन, नाउन कैसा, और उसके जवाब में अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो समझ लेना कि ये सब के सब जो मैं यहाँ लिखा हूँ आपका, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ये सब क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेजेज। दोस्त इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, और भी हैं लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहिए तो आपको इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत आसानी होने वाली, क्योंकि ये जो सेंटेंस लंबे होते हैं वो इसी पैटर्न से होते हैं, जो पैटर्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है इसी से सेंटेंसेस लंबे होते हैं, और इसी से आपको पढ़ने में दिक्कत भी आती, क्योंकि जब आप इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट में समझने में दिक्कत नहीं आती, बच्चों को समझ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है, भारत सरकार है, और जब समय सूचक फ्रेज हो तो ये एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, ऑन वेंसडे एडवर्बियल फ्रेज है, साइटेड आपकी क्रिया है और ट्रांजिटिव होने के कारण कंसर्न इसका ऑब्जेक्ट है, यानी केंद्र सरकार ने बुधवार को चिंताओं का उल्लेख किया, कैसी चिंताएं, कैसी चिंताएं, अब आपका एक फ्रेज आ गया ओवर से लेके कोरोना वायरस तक। मैंने आपको बोला था कि प्रेपोजिशन फ्रेज जब भी आपको मिलेंगे, अब इसमें एक सिद्धांत भी फॉलो करना, ये फ्रेज जब भी आपको मिलेंगे तो आपको इनको उल्टा पढ़ना पड़ता है ऐसे, मतलब पहले फ्रेज पढ़ेंगे आप, पहले फ्रेज पढ़ेंगे और फिर आप नाउन पे आ जाएंगे, फिर जो नाउन है जिसके साथ जुड़ते हैं उस पे आना होता है। कैसे आएंगे आप इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लें, यहाँ से आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, कोरोना वायरस के
ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंताएं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंताओं का केंद्र सरकार ने उल्लेख किया। चिंताओं का केंद्र सरकार ने उल्लेख किया। फिर एंड से आपने एक और सेंटेंस जोड़ा है। एंड से आपने ठीक वैसा सेंटेंस जोड़ा। अब ये क्या हो गया, इसको मैं एक और पिक्चर से आपको क्लियर कर सकता हूँ। ये एक आपका, जैसे आपने सब्जेक्ट लिया, आपने इसमें टाइम एडवर्बियल फ्रेज लिया, फिर आपने साइटेड लिया था यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर इसका आपने ऑब्जेक्ट जोड़ा यानी कंसर्न्स, कंसर्न्स के साथ आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज जोड़ा, एडजेक्टिवल फ्रेज जोड़ा, और वो एडजेक्टिवल फ्रेज किससे था, ओवर से चालू हुआ था। और फिर आपने एंड से एक एडवर्ब डाला, यहाँ पे मैनर एडवर्ब है इनडेफिनेटली, और फिर आपने वी टू लिया यानी ये पास्ट इनडेफिनेट फिल लिया। तो आपका एक सेंटेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक था, एंड से एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक वाक्य यहाँ पे ये है, दूसरा वाक आपका यहाँ पर ये है। अगर दो वाक एंड से जुड़े हैं तो आपने कहीं ना कहीं कंपाउंड सेंटेंस के रूप में इस पूरे सेंटेंस को लिखा था, कंपाउंड सेंटेंस के रूप में लिखा था। अब एंड के बाद क्या क्या है उसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरी बहुत इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, क्योंकि ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर उनके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये वीडियोज़ उसी मकसद से पहुँचने चाहिए। अब यहाँ पे एंड के बाद इनडेफिनेटली यहाँ पे मैनर एडवर्ब है, पोस्टपोन्ड आपकी ठीक वैसे ही सेकंड फॉर्म है वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे साइटेड था। पोस्टपोन्ड, और पोस्टपोन्ड के बाद फिर ऑब्जेक्ट है आपका द फुल रिजम्पशन, पूरी बहाली। फुल रिजम्पशन मतलब पूरी बहाली, ये आपका ऑब्जेक्ट है पोस्टपोन्ड क्रिया का। पोस्टपोन्ड का मतलब जानते हैं टाल देना होता है, तो पूरी बहाली को अनिश्चित रूप से टाल दिया। केंद्र सरकार ने पूरी बहाली को अनिश्चित रूप से टाला। और ये बहाली कैसी, कौन सी बहाली, किस चीज की बहाली है, तो ये है ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ये आपका रिजम्पशन का एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो रिजम्पशन आपका यहाँ पे नाउन आया था, जो कि पोस्टपोन क्रिया का ऑब्जेक्ट था, उसका एडजेक्टिवल फ्रेज आपका आया है ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की पूर्ण बहाली को टाल दिया। फ्रॉम दिसंबर 15 यानी जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, तो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। ये है पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और बिल्कुल हर बच्चे को, हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिन लोगों की भी इंग्लिश कमजोर है, ये बहुत व्यापक उद्देश्य के साथ चलने वाला सेशन है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके लिए तो ये अनअवॉइडेबल है, उसको तो ये बच ही नहीं सकते हैं। उनको ऐसे न्यूज पेपर सेशन खोज के पढ़ने चाहिए, चाहे वो मैं पढ़ाऊँ या चाहे कोई और पढ़ाए, लेकिन ऐसे न्यूज पेपर सेशन से उनको हर हाल में जुड़ना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर हाउस वाइफ्स, जो भी लोग एडवोकेट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशनल, जिनको अंग्रेजी कमजोर है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, दे नीड टू ज्वाइन अस, दे नीड टू फॉलो अस, सो दैट दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बिकॉज दे विल फील ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर व्हाट दे यूज व्हाइल टॉकिंग टू समवन। तो एक तो आपको इस न्यूज को मैंने लिया, दूसरा आपको एक और न्यूज के साथ जोड़ते हैं और पे बात करते हैं। जीएसटी कलेक्शन पर भी एक न्यूज आई है, देखें क्या ये है।
जीएसटी कलेक्शन सर्ज, अब एक क्रिया है इसमें देख रहे हैं आप, कलेक्शन का मतलब तो होता है जीएसटी का कलेक्शन, जो भारत सरकार वन नेशन वन टैक्स के रूप में टैक्स लगाती है, उससे निकलने वाला जो कलेक्शन है, जो इकट्ठा होता पैसा है, वो सर्ज, उसमें वृद्धि हो रही है, सर्ज हो रहा है, यानी वो इंक्रीज कर रहा है, INCREASE, इंक्रीज हुआ है, इसमें हाइक मिली है, वृद्धि मिली है, जो भी आप चाहें, ग्रो किया है, ग्रो कर रहा है, ये कलेक्शन बढ़ रहा है, इस सेंस में आप इसको देखते हैं इन, और ये कब बढ़ा है, इन नवंबर, तो नवंबर में जीएसटी का कलेक्शन भाई बढ़ा हुआ है। अब आप देखें जीएसटी का, बहुत सारे लोग बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ग्रॉस जरूर जुड़े हैं लोग, कई लोग इतना बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नहीं, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को बोलते हैं जीएसटी कलेक्शंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई बताएगा हमें, सब्जेक्ट बताएगा क्या है इसमें, एनीबडी अमंग यू हु कैन लेट मी नो द सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हिट क्रिया है, और हिट क्रिया यहाँ पे जो है वो सेकेंड फॉर्म में देखी जाएगी, चूंकि पास्ट की घटना है, तो तब तक आप कॉमेंट करिए। तारेश, दीपक, लकी, वीरेंद्र, अमन, जो लोग भी लाइव हैं जरा एक कमेंट कर दें, उनसे हम बाय नेम परिचित होना चाहते हैं। शुभम पटेल, आदर्श वर्मा, चंद्रभान पटेल, अवनीश, नीरज, तन्वी, मिस्टर यूनिक, सूर्या पटेल, सत्यम, सुजीत, शिवम, चंद्र प्रकाश, सूरज, संजय कुमार पटेल, संदीप पटेल, संजय गुप्ता, सूरज मधेसिया, आनंद निषाद, शिवम कुमार पाल, सूरज कुमार, प्रेमचंद सहनी, अलका चौधरी, लोकेश, आस्था मौर्या, सत्यम, शिवांगी, संजीत, शिवम, आदर्श, कमलेश, रवि, अमन, अजय, विवेक, रंजीत, शैलेश कुमार, सर्वेश, प्रीति, समीर, शिवम कुमार पाल, सत्यम, विवेक यादव, प्रवेश गुप्ता, राहुल सिंह, शिवम पाल, शिवांगी चौहान। बिल्कुल, ये जो शिवम कुमार पाल आपने लिखा है, ये कलेक्शन ही सब्जेक्ट है, राहुल ने भी यही लिखा, विवेक ने भी यही लिखा कि कलेक्शन यहाँ का सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल जो लोग कलेक्शन को बोले हैं सब्जेक्ट वही सही है, बाकी जीएसटी यहाँ कलेक्शन के पहले इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कलेक्शन कैसा, तो जीएसटी का कलेक्शन, तो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कलेक्शन का एडजेक्टिव है, और कलेक्शंस यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी नाउन है, हिट यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और हिट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है बल्कि पहुंचना है, तो ये हिट कर गया है, पहुंच गया है 1,31,526 करोड़ इन नवंबर, नवंबर में ये हिट कर गया, मींस टच कर गया, यहाँ हिट का मतलब पहुंचने से है, पहुंचा है 1,31,526 करोड़, और ये द सेकेंड हाईएस्ट है, ये दूसरी बार इतना ज्यादा कलेक्शन हुआ है सिंस इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 17, ये तारीख भी याद रखना, जुलाई 2017 में जब ये लागू हुआ था तब से ये दूसरी बार कलेक्शन आया है 1,31,526 करोड़, एंड द सेकेंड मंथ इन अ रो, और ये दूसरा महीना है, इन अ रो का मतलब लगातार, ये फ्रेज नोट करेंगे, इन अ रो लगातार ये दूसरा महीना है दैट कलेक्शंस हैव क्रॉस्ड, कि कलेक्शन पार कर गए हैं 1.3 लाख करोड़ को, लगातार दूसरे महीने ये कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ को पार कर गया है, तो जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, महामारी का दौर भी चल रहा है, जनता जो है परेशान थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जीएसटी कलेक्शन एक अच्छा देखने को मिला। द रेवेन्यूज फॉर नवंबर वर, जो राजस्व था नवंबर का, 25% हायर देन दैट इन द करेस्पॉन्डिंग मंथ, करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इसके ठीक पीछे वाला जो, या इसके ठीक पिछले वर्ष का जो महीना है उसकी तुलना में लास्ट ईयर, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग का मतलब तुलनात्मक रूप से पिछले साल का जो महीना था नवंबर उसकी तुलना में इस बार नवंबर में 25% का इजाफा, एंड 27% ओवर द प्री पैंडमिक लेवल ऑफ 2019-20, और अगर हम प्री पैंडमिक लेवल को देखें
तो उसकी कंपैरिजन में 27% का जीएसटी का इजाफा देखने को मिला है। इकोनॉमिस्ट जो है हाउएवर सेड, यानी अर्थशास्त्री जो अर्थ जगत के विशेषज्ञ हैं, हालांकि उन्होंने कहा है द नवंबर कलेक्शंस की जो नवंबर कलेक्शंस हैं रिफ्लेक्टिंग ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन इन अक्टूबर, कि जो नवंबर के ट्रांजेक्शन हैं वो अक्टूबर में जो किए गए थे उसको दिखाते हैं, वर ओवरवेलमिंग, ये बहुत ओवरवेलमिंग है, बड़े जोरदार है, ओवरवेलमिंग बहुत जोरदार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकॉर्ड जनरेशन। रिकॉर्ड इस बार जनरेशन हुआ, जनरेशन का मतलब यहाँ उत्पन्न हुए ईविल, यानी ईविल यहाँ बहुत बने इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो ई वे विल हैं, यानी कि जो ऑनलाइन बिलिंग हुई है व्यापारियों की, ऑनलाइन बिलिंग व्यापारियों की हुई है, वो रिकॉर्ड इस बार हुआ है। जरा इन्होंने बाइफर्केशन दिया है इसका, टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं के आयात से टैक्स कलेक्शन हुआ वो 43% हायर हुआ है, और 43% हाई है, यानी जो सामानों का आयात किया गया उससे जीएसटी जो है 43% ज्यादा मिला पहले की तुलना में। वाइल रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, घरेलू ट्रांजेक्शन जो हुए, ट्रांजेक्शन से मतलब यहाँ आदान प्रदान, जो बैंक से ऑनलाइन जो पैसे लिए जाते हैं दिए जाते हैं, उससे जो राजस्व जनरेट हुआ है, इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है, वह 20% हायर, ये 20% ज्यादा है देन द रिस्पेक्टिव कलेक्शंस इन नवंबर, जो पिछले वर्ष कलेक्शन थे उसकी कंपैरिजन में, नवंबर 2020 में, यानी पिछले साल का। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो रिवाइज, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिवाइज किया है डाउनवर्ड्स जीएसटी कलेक्शन को फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2021-22। उन्होंने ये भी बताया कि डाउनवर्ड जीएसटी कलेक्शन है 2021-22 का पहले 3 महीने का, स्टार्टिंग विद द रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ अप्रैल। अगर हम अप्रैल का देखें तो उस वक्त जो रेवेन्यू था वो 1,41,000 था, ये सबसे हाईएस्ट है, यानी जब से 2000 जुलाई 2017 से जो आपका जीएसटी लागू हुआ था तब से लेके और अब तक जो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन था वो 1,41,384 करोड़ था, जो कि किसी भी महीने का सबसे ज्यादा राजस्व कलेक्शन है जीएसटी के नाम पर। तो दोस्तों जरा कमेंट करें कि ये आपको जानकारी कैसी लगी जीएसटी के बारे में, और फिर देखते हैं हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट छोड़ेंगे, बेंगलुरु शोज नेक्स्ट, नो एक आपको हेट क्राइम विक्टिम की खबर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझें ये हेट क्राइम क्या होता है। हेट क्राइम जो होता है नफरत की वजह से किया गया अपराध। ये कह रहे हैं कि नेवर थॉट आई वुड बी अ हेट क्राइम विक्टिम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, ये जो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं इनको हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपने कॉमा लगा के डी जोड़ दिया है तो आप दो काम कर चुके हैं अंदर ही अंदर, या तो कर चुके हैं आप इसका मतलब सब्जेक्ट और वुड इसका सेंस निकालेंगे, या सब्जेक्ट के साथ आप हेड का सेंस निकालेंगे। जरा बताओ इसमें क्या भरा हुआ, वुड या हेड, और कैसे पता किया आपने कि वुड या हेड, कैसे पता किया आपने? तो यहाँ पे जो वी है, यानी जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म किसी मॉडल के बाद आ सकता है, हेड के बाद तो दोस्त आपको वो पैटर्न्स अलग होते हैं, तो हेड के बाद तो यहाँ नहीं होगा। क्या है भैया टेक गुरु का, थोड़ा मौज कर लीजिए, थोड़ी मौज कर लें। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल को आंखों में आंख डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। वाह वाह मौज कर दी तुमने पूरी भाई। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डालकर बोला चल झूठी तेरी औकात नहीं, चल झूठी तेरी औकात नहीं। कजीम शेरवानी हु वॉज थ्रेस्ट, जिनको पीटा गया था, थ्रेस्ट को नोट किया जाए,
वॉज थ्रेस्ड, जिनको पीटा गया था एंड अब्यूज्ड, और जिनको बहुत अपशब्द बोले गए थे, ऑन अ वैन इन नोएडा, एक गाड़ी में नोएडा में, ऑन ए वैन, हैज मूव्ड सुप्रीम कोर्ट, ये चले गए हैं, मूव्ड माने चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसी को लेके कि भाई मुझे क्यों पीटा गया और क्यों गालियां दी गई। रेस्टिंग ऑन अ बेड एट हिज मोडेस्ट हाउस, रेस्टिंग ऑन अ बेड, बिस्तर पर आराम करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी ये इस तरह से शुरू, मैं इस बात को भी आपको बिल्कुल फिक्स करना चाहता हूं, जिन लोगों को ये नहीं समझ है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बात समझ जाइए। अगर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वाक्य की शुरुआत किससे है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको क्या नाम दोगे आप? दो नाम हो सकते हैं इसके, ये जिरंड अगर है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, और अगर ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये सब्जेक्ट के एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में आता है। ये बातें आप जानते हैं कि नहीं, एकदम तथ्यात्मक जानकारी है, सब्जेक्ट के एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आता है। बताइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के रख देंगे अंग्रेजी। तो ये है आपका रेस्टिंग, यहां पे देखना है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे आया है, क्योंकि ये है, ये जो 62 वर्षीय कजीम अहमद शेरवानी हैं, उनके लिए एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है, यहां रेस्टिंग से लेके और यहां तक। तो बड़ा मजेदार होता है ये, जब आपका क्रिया का आईएनजी फॉर्म जैसे रेस्टिंग, इज गुड, यहां रेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका मतलब होगा आराम करना, आराम करना अच्छा होता है। बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से, आराम करना अच्छा होता है। और जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, रेस्टिंग ऑन बेड, रेस्टिंग ऑन, जैसे इन्होंने लिखा है रेस्टिंग के साथ ही डाला ना, रेस्टिंग ऑन, हम आर्टिकल डाला है क्योंकि इन्होंने इसमें आर्टिकल डाला है और वो सही भी डाला है, रेस्टिंग ऑन ए बेड, बिस्तर पर आराम करते हुए, फिर हमने कॉमा लगा दिया, ही रेड ए बुक, तो यहां पे जो है इसकी हिंदी होगी आराम करते हुए। दो एग्जाम्पल से समझाया मैंने बिल्कुल क्लियर करके, आराम करते हुए, और पूरा लिखें तो बिस्तर पर आराम करते हुए, बिस्तर पर आराम करते हुए उन्होंने एक उपन्यास पढ़ा। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये रेस्टिंग का हिंदी पढ़ रहे हैं आप आराम करते हुए, और यहां रेस्टिंग का हिंदी पढ़ा आराम करना, तो जो ये मैंने यहां बताया था कि वाक्य की शुरुआत में जब क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो तो जिरंड होता है, जब वो स्वयं सब्जेक्ट हो तो ये है भैया जिरंड, ये सब्जेक्ट बन के बैठा है जिरंड, और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो सब्जेक्ट के एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में आएगा, तो ये रेस्टिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कम से कम 3-4 बार दिल से देखना, जिंदगी भर गलती नहीं करोगे, जब भी वाक्य के पहले क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा जिंदगी भर गलती नहीं होगी ये तय करने में कि वो आईएनजी फॉर्म जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बस इस स्क्रीनशॉट को ले लें और यहां की पूरी बातचीत को आप ध्यान से सुन लें 2 बार, और नहीं सुनोगे, नहीं अगर इसको ढंग से देखोगे तो हर बार और बार बार ये गलतियां करते रहोगे पढ़ने की, सही पढ़ोगे नहीं, क्रिया का आईएनजी फॉर्म कैसे पढ़ोगे जब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि ये जिरंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसको सही पढ़ोगे। तो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वेदर इट इज जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिसाइड इट, हाउ कैन यू ड्राइव आउट इट्स रियल मीनिंग?
इसकी वास्तविक मीनिंग को ड्राइव आउट करना फिर मुश्किल है। देखिए बहुत सारी अंग्रेजी तो इसलिए कठिन है आपकी क्योंकि आप ग्रामेटिकली फिट नहीं हैं, और बहुत सारी अंग्रेजी इसलिए खराब है क्योंकि आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो जब आप ग्रामेटिकली फिट नहीं होंगे तब भी पढ़ने की गड़बड़ होगी, तब भी कुछ का कुछ पढ़ोगे आप। जैसे हिट आया था, ग्रामेटिकली फिट नहीं है आप, शब्दों का आप कॉनोटेशन नहीं जानते हैं, तो हिट का मतलब मारना पड़ोगे जबकि वहां टच करना था। तो ये है अब यहां से। और जब आपको एक और मजेदार जानकारी, मान के चलो कि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका यहां ऐसे 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 कॉमा लगा है, तो ये भी एक पहचान है। अगर इससे पहचान जाए, अगर क्रिया का आईएनजी फॉर्म आगे कॉमा लिया है, कॉमा लिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉमा नहीं लिया तो जिरंड। ऐसे में अगर क्रिया का आईएनजी फॉर्म अपने साथ लेकर इन्फॉर्मेशन बैठा और कॉमा लगाया, फिर ये सब्जेक्ट है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसकी विशेषता होती है, एक बात। और जो पूरी इन्फॉर्मेशन ये होती है उसको उल्टा पढ़ा जाता है। पहले इसको उल्टा पढ़ोगे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से एडजेक्टिवल फ्रेज बनता है उसको उल्टा पढ़ोगे, फिर उल्टा पढ़ के हिंदी में इसको सब्जेक्ट से जोड़ोगे, फिर इसको सब्जेक्ट से जोड़ोगे, तब मजा आएगा। देखना एग्जाम्पल, देखो प्रत्यक्ष उदाहरण देखते रहिए। हमें यहाँ 62 वर्षीय कजीम अहमद शेरवानी को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम सही ढंग से पढ़ेंगे अपना एडजेक्टिवल फ्रेज। तो यहां से पढ़ेंगे, साउथ दिल्ली के जाकिर नगर, साउथ दिल्ली में जाकिर नगर के एक साधारण घर में, के अपने साधारण घर में बिस्तर पर आराम करते हुए, साधारण मॉडेस्ट हाउस, साधारण घर होता है मतलब सामान्य सा घर, साधारण घर में बिस्तर पर आराम करते हुए। अब यहाँ मॉडेस्ट का मतलब आपको जरा समझना, मॉडेस्ट का सामान्य शब्द जो बच्चे जानते हैं वो पोलाइट होता है, POLIT, विनम्र होता है। अगर मान लीजिए कि आप मॉडेस्ट का मीनिंग जानते हैं पोलाइट विनम्र, तो विनम्र घर में पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ा जाए अंग्रेजी है, अंग्रेजी है गड़बड़ा जाए। फिर अंग्रेजी है तभी सही है जब आप शब्दों को विषय संगत पढ़ोगे। तो मॉडेस्ट को यहां पढ़ोगे साधारण घर में। और दूसरी समझ आर के इंग्लिश ओरेकल प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसकी पहचान को मैंने अच्छे से समझाया कैसे पहचानोगे, इसको उल्टा पढ़ो, साउथ दिल्ली के जकीर नगर में अपने साधारण घर पर बिस्तर पर आराम करते हुए। अब सब्जेक्ट पढ़ लो, बिस्तर पर आराम करते हुए 62 वर्षीय कजी मोहम्मद शेरवानी, अब सही जगह आ गए। स्टिल ट्रेम्बल्स, अभी भी कांप जाते हैं, ट्रेम्बल का मतलब कांपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये एडवर्ब है, स्टिल, स्टिल यहां एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है। अभी भी कांप जाते हैं वाइल रिकॉलिंग द इंसिडेंट, घटना को याद करते हुए, घटना को याद करने के दौरान, यहां वाइल को ड्यूरिंग, ड्यूरिंग रिकॉलिंग द इंसिडेंट, घटना को याद करते हुए अहमद शेरवानी अभी भी कांप जाते हैं। व्हेन ही वाज अलेजली वे लेड, जब उनको कथित रूप से, अलेजली का मतलब होता है आरोप होता है, इनको कथित रूप से वे लेट किया गया था, पटक दिया गया था, थ्रेस किया गया था, वेलेट किया गया, पटक दिया, मारा गया, लूट किया गया, बाय 4 पर्संस, 4 व्यक्तियों के द्वारा। शब्द भी देखो लगातार मिलते हैं, ऐसा नहीं कि शब्द नहीं मिलते हैं। समझ गए, पटक दिया, मारा गया, लूट की गई उनकी। ये सारे वर्ड जो आपके आ रहे हैं दोस्त, ये सब के सब आपके काम के शब्द हैं। तो इनको आपको मैं वेलेट को और दे दूं, ये थोड़ा सा मैं राइट वे में आपको समझा दूं, इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप। वे ले का मतलब होता है रास्ते में रोक लेना, तो यहां पर रास्ते में रोकना है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, वेले को रास्ते में रोकना। तो इनको रास्ते में रोक लिया गया, वेले कर लिया गया, इनको पीटा गया, लूट किया गया। एक शब्द का मैं परिवर्तन चाहता हूं क्षमा के साथ, वेले किया गया नहीं, इनको रास्ते में रोका गया। पैसिव वॉइस है ना, जब भी वॉच के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा या वर्ब के साथ तो पैसिव वॉइस है। तो ही वॉज वेलेड, उनको रोका गया,
ही वॉज थ्रेस्ड, उनको पीटा गया, एंड ही वॉज लूटेड, और उनको लूटा गया बाई 4 पर्सन, 4 लोगों के द्वारा इन नोएडा। कहाँ लूटा गया? नोएडा में, अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में। आई हैड रेड अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम, इनका कहना है कि मैंने हेट क्राइम की घटनाओं को पढ़ा था, खबरों में, न्यूज में पढ़ा था कि ये हेट क्राइम होते हैं, नफरत से घटनाएं होती हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुसलमानों के खिलाफ। बट नेवर थॉट, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आई वुड बी अ विक्टिम वन डे, कि मैं एक दिन विक्टिम हो जाऊंगा, मैं एक दिन इसका शिकार हो जाऊंगा, विक्टिम हो जाऊंगा। दे अक्यूज्ड ब्रूटली थ्रेस्ट, दे अक्यूज्ड ब्रूटली थ्रेस्ट मी, उन्होंने कहा कि ब्रूटली थ्रेस्ट किया, ये अक्यूज मतलब, दे का मतलब यहाँ पे अक्यूज से है, नहीं, अक्यूज लोगों ने ब्रूटली यानी क्रूरतापूर्ण तरीके से मुझे मारा, एंड ब्रोक माई नोज, मेरी नाक तोड़ दी विद अ स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस लिया हुआ, स्क्रू ड्राइवर होते पेचकस जिससे आप नट बोल्ट वगैरह कसते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से मेरी नाक तोड़ दी। आई स्टिल एक्सपीरियंस बॉडी पेन, मुझे आज भी शरीर में दर्द का अनुभव होता है ड्यू टू द इंसिडेंट, घटना के कारण, ड्यू टू द इंसिडेंट, घटना के कारण, मुझे आज भी शरीर में दर्द होता है घटना के कारण। मिस्टर शेरवानी हु रन्स अ रेशन शॉप, मिस्टर शेरवानी जो यहाँ है, ये एडजेक्टिव क्लॉज, जो एक रेशन शॉप चलाते हैं, राशन की दुकान यानी किराने की दुकान चलाते हैं, टोल्ड द हिंदू, इन्होंने द हिंदू को ये बताया। अब ऐसी खबरों में हम क्या समझते हैं, जो लोग अंग्रेजी कमजोर जिनका है, जिनको अंग्रेजी लिखने बोलने की बहुत तमन्ना है, वो ऐसी खबरों को पूरा पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ इतनी सरलता होती है और सरलता के साथ तमाम शब्दों को, तमाम ग्रामेटिकल पॉइंट्स को आपसे जोड़ने की स्थिति बन जाती है। जैसे ऑन जुलाई 4, ये है आपका टाइम एडवर्बियल फ्रेज, 4 जुलाई को मिस्टर शेरवानी ऑन हिज वे, अपने रास्ते में टू अलीगढ़, अलीगढ़ के रास्ते में थे, टू अटेंड अ नेफ्यूज वेडिंग, अपने भतीजे की शादी को अटेंड करने के लिए, वॉज वेटिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट मिस्टर शेरवानी है और वॉज उसकी क्रिया है, ये भी जिस दिन आप पकड़ लिए ना, जिस दिन आप पकड़ लिए, ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ 1 किलोमीटर दूर जाके आपका वॉच बैठा है, तो ये बीच में क्या बैठता है फिर, ये बीच में क्या आता है? अगर कोई मुझे इसका जवाब दे दे तो बताए, क्योंकि सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में कैसी है ये दूरी, कैसी है मजबूरी, तुम थी मेरे पास पर इतनी दूर चली गई, बताओ। कर्ता कह रहा है कि तुम मेरे पास रहती थी, मेरी क्रिया थी, मेरी क्रिया, मेरी किरण, आज तुम इतनी दूर कैसे चली गई हो? तो वो कर्ता कहता है, भैया मुझे कुछ और लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे जब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारी दम बढ़ेगी, अन्यथा तुम अकेले दमदार नहीं हो सकते। तो ये सब्जेक्ट रूप में जो नाउन प्रोनाउन है वो कह रहा है कि मुझे इनको साथ में लेना पड़ा, इनको साथ में लेना पड़ा, तब जाके मेरी ताकत, मेरी शक्ति और बढ़ी, इसीलिए मेरी जान, मेरी क्रिया, मेरी जान, तुमको मैं दूर तो किया हूं लेकिन अपने को दूर मत समझना, क्योंकि मैं अल्टीमेट तुम्ही से जुड़ा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सब्जेक्ट क्रिया से कह रहा है। और ये जो बीच में घुसे हैं ना, चिंता मत करो मेरी जान, इनको मैं साथ में भी लिए रहूंगा और फिर भी तुमसे जुड़ा रहूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब्जेक्ट और ये जो क्रिया है, इसके बीच में अक्सर एडजेक्टिवल फ्रेजेस या एडजेक्टिव क्लॉज बैठ जाते हैं। और जिस दिन दोस्त आपने ये काम सीख लिया कि नाउन प्रोनाउन के बाद के साथ अगर एडजेक्टिवल फ्रेजेज बैठे हैं, अभी मैंने चित्र बनाया था, वीडियो के शुरुआत में मैंने बनाया था, अरे सब सबको बनाया मैंने, तो नाउन प्रोनाउन के बाद जो एडजेक्टिव फ्रेज बैठते हैं, अगर ये बैठे मिल जाएं जिनका तस्वीर मैंने शुरू में दिया था, तो उल्टा पढ़ते पढ़ते, उल्टा पढ़ते पढ़ते, उल्टा पढ़ते पढ़ते, उल्टा पढ़ते पढ़ते, ऐसे आप यहाँ तक आ जाएंगे, अपनी यात्रा ऐसे पूरी करेंगे हिंदी में।
जब आप अंग्रेजी से हिंदी में हो, अंग्रेजी से हिंदी में हो। यार परेशान ना करो भाई, अंग्रेजी से वे हटो यार, अंग्रेजी से हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी में अगर आप हैं तो इस बात का ध्यान। अबे तुम भी हटो, अंग्रेजी से हिंदी। और एक और देखो, एक और देखो, अगर आपका किसी नाउन प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव क्लॉज मिल जाए जो कि जनरली रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से मिलते हैं या रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से मिलते हैं, तो फिर आप सीधा सीधा पढ़िए, ऐसे ऐसे पढ़िए, ऐसे ऐसे पढ़िए। मैं इन सब के एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में दिखाता रहूंगा दोस्त, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो अंग्रेजी से हिंदी में आते समय आप ये सिद्धांत बराबर फॉलो करते रहिए। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कैसे करना है और जब उल्टा चलना है तो हिंदी से अंग्रेजी कैसे जाना, उसका उल्टा है। अनुवाद किसी का अगर बहुत मजबूत है अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, समझो उसकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, सीधा फंडा है, कहीं कोई दुविधा नहीं। नेफ्यूज वेडिंग, वेटिंग फॉर अ बस, जो बस का इंतजार कर रहे थे एट नोएडा सेक्टर 37 बस स्टैंड अराउंड 8 PM। तो यहाँ पे शेरवानी और वॉच के बीच में इनके लिए एडजेक्टिवल फ्रेजेज बैठे थे केसन एपजिशन के रूप में। केसन एपजिशन भी बताएंगे क्या होता है। केसन एपजिशन होता है जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आपने कॉमा लगा दिया, फिर इसमें इंफॉर्मेशन डाला, फिर कॉमा लगा दिया, दिस इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन, और इसी को बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं आप। और इसको जब आप पढ़ोगे तो पहले केस इन एपोजिशन को पढ़ोगे, फिर जाके आप नाउन को पढ़ोगे। या एक रास्ता है, एक सेंटेंस फ्रेम कर दें, अगर आप छोटा सेंटेंस बना लें तो फिर हाँ नाउन की इंफॉर्मेशन होती है, तो फिर आप इसको जो है सीधा भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको, इसको उल्टा सीधा दोनों पढ़ सकते हैं। देखें जैसे आपने यहां से पढ़ लो चाहे तो, कि सेक्टर 17 बस स्टैंड पे 8 बजे बस का इंतजार, नहीं ये तो यहाँ पे है, नेफ्यू की भतीजी है ना, भतीजे की शादी को अटेंड करने के लिए अलीगढ़ के अपने रास्ते में मिस्टर शेरवानी इंतजार कर रहे थे बस का। या फिर ऐसे पढ़ लो, मिस्टर शेरवानी जो कि अलीगढ़ के रास्ते पे थे, भतीजे की शादी अटेंड करने जा रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे बस का एट नोएडा सेक्टर 37 बस स्टैंड पर 8 बजे। वैन अ वैन, जब एक वैन 4 लोगों को कैरी करने वाली, 4 लोगों को लिए एक गाड़ी स्टॉप्ड रुकी एंड ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट, और इन्हें लिफ्ट दे दिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई ट्राई टू गेट इन टू द एम्प्टी सीट, तो मैं खाली सीट में बैठने की कोशिश किया, इन द मिडिल रो, बीच की रो में, बट दे सिग्नल्ड मी टू मूव टू द बैक रो, लेकिन उन्होंने कहा कि पीछे जाओ, वे 2 पर्सन्स वर ऑलरेडी सिटिंग, जहां 2 लोग पहले से ही बैठे हुए थे, जहां 2 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। बाकी तो कहानी इनकी बहुत सारी है, इसको हम रिपीट करते हैं, किसी और कहानी की तरफ जाते हैं। एनजीओ ने डॉटर मोलेस्टेड अटैक्ट, देखो भाई ये भी देखो, एनजीओ का एक मालिक है, उसकी एक डॉटर है, उसको मोलेस्ट कर दिया किसी ने। मोलेस्टिंग तो जानते हैं आप, छेड़छाड़ के सेंस में आता है। ये लूट की खबर है, मारपीट की खबर है, क्राइम की खबर है, अपराध की खबर है। ये आप पढ़ोगे, अगर जिनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है उनको यही खबरें पढ़ना चाहिए। न्यूज पेपर जब भी लिया करो इन्हीं को मन लगा के पढ़िए। एक डबल ये मतलब अकाउंट ऑफिसर है, SSC से सिलेक्ट हुए थे नीरज भाई, इस समय वो पूना में पोस्टेड है, पुणे में, और उनका ये अपना ओपिनियन था। जब वो हमारी क्लास में एड्रेस करने आए तो उन्होंने यही कहा था कि भाई अपराध की खबरें, लूटपाट की खबरें पढ़ के ही मैंने अपनी अंग्रेजी सही किया है, सर के गाइडेंस में थे और लगातार यही खबरें पढ़ते थे। विश्वास कर उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात, क्योंकि यहाँ पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई विचार तो बहुत जटिल होता नहीं है, विचार तो यहाँ झंडूवाम होता है। तो फिर जब विचार झंडूवाम होता है तो भाषा पर हमारा ध्यान पूरा पूरा जाता है। एनजीओ मालिक, ऑनर का मतलब मालिक, डॉटर का मतलब बता दें बेटी, मोलेस्टेड माने छेड़छाड़ हुआ, अटैक उस पर हमला हुआ,
38 वर्ष का एनजीओ का मालिक और उसकी बेटी वर थ्रेस्ट, इनको पीटा गया। थ्रेस्ट माने पीटा गया, और मॉलिस्टेड होता है छेड़छाड़, जो खासतौर से स्त्रियों के साथ कर दी जाती है, तो वो मतलब करते हैं लोग, तो वो मॉलिस्टेड है बाई 6%, 6 लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग 2 वीमेन, जिसमें 2 महिलाएं शामिल थी। इन नॉर्थ वेस्ट डेली शालीमार बाग ऑन नवंबर 19 नवंबर की शालीमार बाग की घटना है। शी टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया, एडिंग दैट द अक्यूज्ड वर सेंट, ये जो दोषी व्यक्ति हैं, वर सेंट एंड इनको भेजा गया था एक आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा, आम आदमी पार्टी का एमएलए था। अ वीडियो ऑफ द इंसिडेंट कॉट ऑन सीसीटीवी, सीसीटीवी पे एक वीडियो इसका बन गया, हैज सरफेस्ड इन विच, और ये वीडियो सरफेस हो गया, मतलब सामने आ गया, सरफेस होता मतलब वायरल हो गया, मीडिया में आ गया, सरफेस का मतलब ये है, इन विच, जिसमें 2 महिलाएं कैन बी सीन, को देखा जा सकता है, 2 महिलाओं को देखा जा सकता है, कमिंग फ्रॉम अ पार्क, पार्क से आते हुए, एंड अटैकिंग द कंप्लेंट्स डॉटर, और कंप्लेनेंट्स की डॉटर को हमला किया, आफ्टर विच, जिसके बाद 2 मैन कम, 2 और लोग आते हैं विद स्टिक्स, डंडों के साथ, एंड थ्रेश द वोमन, और उस महिला को पीटते हैं। थ्रेश, ये बीट क्रिया के सेंस में लिखेंगे, BEAT, थ्रेश करना, पीटना। अकॉर्डिंग टू द वोमन, महिला के अनुसार, द अक्यूज यानी दोषी व्यक्ति वर सेंट यानी भेजे गए बाई AAP MLA, आम आदमी पार्टी विधायक द्वारा, फ्रॉम शालीमार बाग, वंदना कुमारी, एंड अ मेल आइडेंटिफाई एज रवि शर्मा, और जो मेल था वो रवि शर्मा था। जरा एलिफेंट के बारे में पढ़े, हाथियों के बारे में, एलिफेंट किल्ड इन अ डिकेड, एक दशक में 1160 हाथियों की जान चली गई, 10 वर्षों में, 10 सालों में, 10 इयर्स के अंदर कितने हाथियों की जान गई, 1160। RTI एक की गई थी, रिप्लाई रिवील, RTI के जवाब में यह खुलासा हुआ, रिवील हुआ कि 741 एलिफेंट डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन इन द कंट्री, कि जो 741 एलिफेंट हैं वो इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लगने से मरे हैं। 741 तो बिजली का करंट लगा उससे मरे, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है बिजली का यानी करंट लग जाने से मर गए। तो हाथी बहुत सारे बेचारे मरे हैं, और देखें और क्या क्या इनके कारण है। हाथी बड़ा मजेदार जानवर है, और वोपिंग 1160, और इनके जो बच्चे जानवर होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनका तो बड़ा मजेदार होता देखना। वोपिंग 1160 एलिफेंट्स वर किल्ड, वोपिंग माने एक बड़ी संख्या, ऐसे वोपिंग माने एक बहुत बड़ी, 1160 की जो संख्या है हाथियों की, इनकी जान चली गई इन द कंट्री फॉर रीजंस अदर देन नेचुरल कॉजेज, स्वाभाविक कारणों के अलावा अन्य कारणों से इनकी जान गई है, इन द 10 ईयर्स अप टू December 31, 2020। ये आंकड़ा 31 दिसंबर 2020 तक का है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये MOEFCC, ये जो मंत्रालय है, एनवायरनमेंट देखता है, फॉरेस्ट देखता है, और क्लाइमेट चेंज भी इसी के हाथ में है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मंत्रालयों के नाम जानते हो सभी के। वायल इलेक्ट्रोक्यूशन क्लेम्ड, इलेक्ट्रोक्यूशन में दावा किया, द लाइव जॉब क्लेम का मतलब जान ले ली, क्लेम यहाँ जान ले ली, क्लेम के साथ जब लाइव पड़ता है तो जाने ली 741 एलिफेंट्स की, तो बिजली करंट लगने की क्रिया ने 741 हाथियों की जान ली। ट्रेन हिट्स लेड टू डेथ ऑफ 186, और ट्रेन की टक्कर से 186 हाथी मारे गए, और पैकी डर्म
फॉलोड बाय पोचिंग, ये स्किन प्रॉब्लम है पैकीडर्म, डर्म तो स्किन से आता है, अभी इसको और क्रॉस चेक कर लेंगे। फॉलोड बाय पोचिंग, पोचिंग से 169, यानी शिकार से, एंड पॉइजनिंग जहर से 64, डॉक्यूमेंट जहर से 64 हाथी मरे, शिकार से 169 हाथी मरे हैं, और ये जो ट्रेन हिट से 186 हाथी मरे हैं, ट्रेन हिट और करंट लगने से सबसे ज्यादा मरे, 741 हाथी मरे। भाई बहुत दुखद खबर है तो भाई। ये पैकीडर्म जो है वो जिसकी थिन स्किन होती है, थिन स्किन वाले को बोलते हैं मोटी चमड़ी, मोटी चमड़ी बोलते हैं इसको, मोटी चमड़ी लिख दें इसको, मोटी चमड़ी। तो ऐसे जानवर जिनकी मोटी चमड़ी होती है, तो पैकीडर्म को भी हम लोग चाहे तो एलिफेंट पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सिस्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी निकल के सामने आती है। कर्नाटका उड़ीसा लॉस्ट 133 एलिफेंट ईच टू इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड, एंड आसाम रिपोर्टेड 129 डेथ्स। आसाम में 139, कर्नाटक और उड़ीसा में 133 33 मौतें हुई हैं करंट लगने से, अमंग एलिफेंट कैजुअलिटीज ड्यू टू ट्रेन हिट, और ट्रेन हिट से जो हुआ है आसाम में सबसे ज्यादा 62 मौतें ट्रेन दुर्घटना से हुई हाथियों की, पश्चिम बंगाल में 57 हाथियों की जान गई है, और 169 जो है पोचर्स ने मार डाले, यानी हंटर्स जिनको शिकार करने का शौक है, इन्होंने हाथी मार डाले इन द 10 ईयर्स, एंड उड़ीसा रिपोर्टेड द हाईएस्ट ऑफ 49, और हंटर्स के द्वारा जो मारेगा उसमें उड़ीसा में सबसे ज्यादा 49 मारे गए हैं, फॉलोड बाई केरला 23, और केरला के द्वारा 23 मार। ठीक है चलो भाई, जितने लोग लाइव होते हैं वो भी तो वीडियो लाइक नहीं कर, पसंद नहीं आता क्या आप लोगों को वीडियो, आपको ये सेशन पसंद नहीं आता है, या फिर आप ये को लाइक पता नहीं है कैसे किया जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, बस अकेला मोबाइल खोलना जानते हैं, मोबाइल खोल लेंगे बाकी वो उनके डिकोरम बाकी चीज़ें उनको आती नहीं, या फिर कुछ लोग जो है जानबूझ के बोलते हैं कि ना पसंद करो ले पढ़ावा, तो पढ़ाएंगे तो है, ये है भाई पसंद आए चाहे ना आए। आप हो, कौन सा आपको न्यूज ले लें इसमें, तिवारी स्ट्राइक पुट्स इंडिया इन द सेमीफाइनल जूनियर, चलो इसे पढ़ाते हैं, हॉकी का है, या मोरी कावा फेवरेट इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, या फिर मेम्बरे हैप्पी विद इंडियन बोलर इफर्ट, क्रिकेट बहुत पढ़ा गया, चलो आज पढ़ते हैं हॉकी, हॉकी पढ़ते हैं चलो। तिवारी जो स्ट्राइक, तिवारी ने जो स्ट्राइक मारा पुट्स इंडिया, उसने इंडिया को सेमीफाइनल में लाके खड़ा कर दिया। मेजबान का डिफेंस होल्ड्स टाइट टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इन द विक्ट्री जीत में। इंडिया फॉलोड द टीम फर्स्ट मंत्रा इन लेटर एंड स्प्रिट टू बीट अ फॉर्मेडेबल बेल्जियम, वाह भाई ये तो अच्छी खबर है, भारत जो है टीम फर्स्ट के मंत्र को फॉलो किया, यानी भारत ने कहा कि भैया टीम पहले, कौन से मंत्र को फॉलो किया, टीम पहले, टीम पहले के मंत्र को फॉलो किया इन लेटर एंड स्पिरिट, पूरे भाव से इन लेटर एंड स्पिरिट, एक फ्रेज है मतलब होता पूरी भावना से पूरा दिल से, इन्होंने टीम फर्स्ट मंत्र का पालन किया टू बीट, पराजित करने के लिए, बीट यहां पराजित करना, यहां बीट का मतलब डिफीट है, मारना नहीं पराजित करना,
टू डिफीट अ फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फॉर्मिडेबल मजबूत पढ़ेंगे आप फॉर्मेट। अब देखो परंपरा, आप कल मैं उसमें था ऑफलाइन में बात कर रहा था कि रोबस्ट कहाँ आएगा, स्ट्रांग कहाँ आएगा, फॉर्मिडेबल कहाँ आएगा मजबूत के लिए। तो जब किसी टीम को मजबूत बताना हो तो स्ट्रांग टीम से अच्छा शब्द है फॉर्मिडेबल, ये परंपरा है। बेल्जियम 1-0 से, तो मजबूत बेल्जियम को 1-0 से हराया एंड एंटर और प्रवेश किया द सेमीफाइनल्स ऑफ द मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। और मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में प्रवेश कर गए। हाँ बिल्कुल, वो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट या वाइटल रोल इन, यहाँ पे कैसा रोल है, असिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे चाहे तो हम अवाइटल या इम्पोर्टेंट रोल, इन पर भी क्रॉस चेक हो चुका है। रोल इन द विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत। द इंडियन डिफेंस, जो भारतीय डिफेंस था हॉकी टीम का, विच हैड लेट द टीम डाउन अगेंस्ट फ्रांस, इसने फ्रांस के खिलाफ तो टीम को डाउन कर दिया, यानी हरा दिया था, तो फ्रांस के खिलाफ तो ये अच्छा नहीं परफॉर्म किया। हेल्ड टाइट टू प्ले, लेकिन अब की बार ये टाइट हो गया था, टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्वार्टर फाइनल विक्ट्री, लेकिन क्वार्टर फाइनल विक्ट्री में इसने सिग्निफिकेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द मिडफील्ड, मिडफील्ड लेड बाई प्लेयर ऑफ द मैच, मिडफील्ड पर जो लेड कर रहे थे, लीड यानी नेतृत्व कर रहे थे, उन वो इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित हुए, विष्णुकांत सिंह। एंड फॉरवर्ड लाइन कॉम्प्लीमेंटेड वेल, और जो फॉरवर्ड लाइन पे खिलाड़ी था, इसने और विष्णुकांत ने मिलकर कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को, पूरा पूरा किया वेल टू कंप्लीट अ फाइन परफॉर्मेंस, फाइन परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। इंडिया विदस्टूड द प्रेशर, विदस्टूड मान होता झेला, भारत ने दबाव को झेला वेल, अच्छे से इन द ओपनिंग क्वार्टर, ओपनिंग क्वार्टर में भारत ने दबाव को अच्छे से झेला, प्रेशर को झेल लिया। द होम बैक लाइन लेड बाई संजय एंड यशदीप शिवाच, जो होम बैक लाइन था पीछे की लाइन, वहां पे संजय और यशदीप शिवाच थे, स्टेट फोकस्ड, बिल्कुल केंद्रित थे वो, फोकस्ड थे एंड मेंटेन्ड इट्स स्ट्रक्चर, और उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को, जो संरचना बनाई थी ग्राउंड पर, उसको बनाए रखा टू डिनाई बेल्जियम एन अर्ली एडवांटेज, बेल्जियम को शुरुआती लाभ देने से वंचित करने के लिए, शुरुआती लाभ बेल्जियम को नहीं देने दिया। किसने नहीं दिया, होम बैक लाइन पे खड़े खिलाड़ियों ने, जिसमें से ये सब फील्ड के जो है पॉइंट्स माने जाते हैं, मिडफील्ड हो गया है ना, या जो ये देखो अभी आपके पॉइंट्स है, जैसे क्रिकेट में होते हैं ना ऑनलाइन मिड ऑन मिड ऑफ, इस टाइप के सुने होंगे आपने, स्लिप होता है, ऐसे क्रिकेट में देखो क्या क्या नाम आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका था द मिडफील्ड, मिडफील्ड फॉरवर्ड लाइन, ये सब पॉइंट है जहाँ खिलाड़ी खड़े किए जाते हैं, जहाँ से खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो फॉरवर्ड लाइन पे जो खिलाड़ी था वो, और जो मिडफील्ड पे विष्णुकांत सिंह थे, इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब वो कहीं से अगर पास करते थे तो ये उसको टेकअप कर लेते थे। और यहाँ जो है और भी पॉइंट्स दिए हैं, होम बैक लाइन जहाँ संजय यशदीप थे, गुड टैकलिंग एंड टाइमली इंटरसेप्शन, अच्छे से टैकल करना और टाइमली इंटरसेप्शन, और समय पे इंटरसेप्ट करना, मतलब बीच में किसी के जाके छेड़छाड़ करके बॉल या गेंद यानी अपने कब्जे में लेना। वर द अदर हाइलाइट्स, ये अन्य इसके हाइलाइट्स थे पूरे खेल के। ऑफ द हॉस्ट सॉलिड डिफेंडिंग, और जो मेजबान है यानी भारत, हॉस्ट यहाँ पे भारत है, सॉलिड डिफेंडिंग किया उसने, जोरदार अपनी टीम का बचाव किया, और बेल्जियम को कोई मौका बहुत नहीं मिल पाया। इंडियाज परसीवरेंस, भारत की लगनशीलता, लगातार लगे रहना इन लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स, जवाबी अटैक करने में जो भारत की लगनशीलता थी, जो लगातार उसके प्रयास थे, पेड ऑफ, उसका फायदा हुआ, पेड ऑफ उन्हें लाभ मिला व्हेन इट गॉट अ पेनल्टी कॉर्नर इन द 20th मिनट, जब इसे पेनल्टी कॉर्नर मिला। ये जो पेनल्टी कॉर्नर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है हॉकी और फुटबॉल में, क्योंकि यहाँ से गोल करना
अगर कोई हुनरमंद खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, तो यहां से गोल मार देता है। ये पॉइंट से डिफेंड नहीं कर सकती विपक्षी टीम ज्यादा। ऐसा पॉइंट होता है जहां से डिफेंड का मौका तो होता है लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उतने खिलाड़ी उनको वहां मिल नहीं पाते डिफेंड करने के लिए। अ ब्यूटीफुल वेरिएशन विद संजय टर्निंग द बॉल टू शारदानंद तिवारी। बहुत अच्छा वेरिएशन हुआ, संजय ने बॉल को शारदानंद तिवारी को दिया, एंड द लेटर, और लेटर माने शारदानंद तिवारी ने फ्लिकिंग हाई इन टू द राइट कॉर्नर, उन्होंने बॉल को फ्लिक कर दिया हाई कॉर्नर में, रिजल्टेड इन द ऑल इम्पॉर्टेंट गोल। और इसका परिणाम एक महत्वपूर्ण गोल हो गया, एक इम्पॉर्टेंट गोल हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और रोज कम से कम 10-10 लोगों को, जहां भी आप जाते हैं कोचिंग संस्थानों में, आप मित्रों से मिलते हैं, लॉज में रहते हैं, तो कम से कम 5 से 10 लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे इस चैनल से जोड़े हैं, सब्सक्राइब कराएं उनको, और रेगुलर उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।